नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना कोरोना वायरस अब विवाद की वजह भी बनता जा रहा है। इस वायरस से बचाव के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन जरूरी मेडिकल किट्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खींचतान देखने को मिल रही है। ताजा विवाद भारत और अमेरिका से जुड़ा है, जिस पर WHO ने सफाई दी है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने आरोप लगाया था कि चीन से भारत आने वाला रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स का कंसाइनमेंट अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इस विवाद पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है। हालांकि WHO ने इशारों में सभी मुल्कों को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी है। WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है इस मसले पर हमें कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेडिकल सप्लाई का दबाव है और ऐसे हालात में सभी को अनुशासन दिखाना चाहिए। डॉक्टर रियान ने ये भी कहा कि अमेरिका की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। WHO की तरफ से ये भी कहा गया कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सभी मुल्कों में आवश्यक मेडिकल सप्लाई सही अनुपात में भेजी जाए। हालांकि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि पूरी दुनिया में फिलहाल टेस्टिंग किट्स की कमी है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के साथ इस दिशा में काम किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के लगभग सभी मुल्क कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। अमेरिका कोरोना का बड़ा केंद्र बन गया है। आलम यह है कि अमेरिका ने WHO पर चेतावनी भरे अंदाज में ये आरोप भी लगा दिया कि वो चीन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने 28 मार्च को जिन 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स का ऑर्डर चाइनीज कंपनी को दिया था, उसकी डिलीवरी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना थी, लेकिन ये कंसाइनमेंट अभी तक नहीं पहुँच पाया है। इस मसले पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने दावा किया था कि भारत को मेडिकल किट्स मिलने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि जो कंसाइनमेंट चीन से भारत आना था उसे अमेरिका डाइवर्ट कर दिया गया है। यही सवाल जब WHO से पूछा गया तो इस पर WHO ने कहा कि उन्हें इस मसले पर भारत ने कुछ नहीं बताया है। हालांकि WHO ने सभी देशों को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी। इस पूरे विवाद के बीच अब जल्द ही टेस्टिंग किट्स की डिलीवरी की बात कही जा रही है। PTI ने भारत सरकार के हवाले से लिखा है कि चीन से आने वाला टेस्टिंग किट्स का पहला कंसाइनमेंट 15 अप्रैल को भारत पहुंच जाएगा। कोरोना की जांच करने वाली ये एंटीबॉडी किट महज आधे घंटे में बता देती है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। अभी देश में एक सैंपल की जांच में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 56,000 PPE और 21 लाख N95 मास्क घरेलू निर्माता कंपनियों से मिल पाए हैं, जबकि 39 कंपनियों को सरकार ने 90 लाख PPE और 1.01 करोड़ N95 मास्क उपलब्ध कराने का ऑर्डर दिया था। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।